हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में, यानी कि जब कभी भी हम अपने आप को COVID-19 के वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, या केवल COVID-19 ही क्यों, बचपन में जब हम किसी भी तरह का वैक्सीन लगवाते हैं तो वो काम कैसे करता है, उसके काम करने का जो मेन प्रिंसिपल क्या है, उसे आज हम बड़ी आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं, ताकि मेडिकल के साथ साथ जनरल पब्लिक भी आसानी से समझ सके। इसको समझने के लिए हम एक छोटे से एनोटेशन की मदद लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी काफी हेल्दी है और इसे कोई भी हेल्थ इशू नहीं है। ये आप भी हो सकते हैं और ये मैं भी हो सकता हूं। लेकिन जब ये हेल्दी व्यक्ति कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है जिनको COVID-19 का इन्फेक्शन है, तो उन व्यक्ति के अंदर से वो एंटीजन, जिसे हम COVID-19 का वायरस इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, ये एंटीजन वहां से मूव करता हुआ हम पे या इस नॉर्मल व्यक्ति के अंदर मूव करता है। इसके अंदर आते ही जैसे ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, हमारी बॉडी का जो बॉडी गार्ड होता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, चलिए उसे हम ग्रीन कलर से समझ लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए। तो इसके एंटर करते ही हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी है, इसे हम बोलते हैं बॉडी का बॉडीगार्ड, ये एक्टिविटी करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। सो अब क्या होगा, अब ये एंटीजन अपनी भूमिका स्टार्ट करेगा, तो अपनी भूमिका के अगेंस्ट में एंटीबॉडी भी भूमिका स्टार्ट शुरू करेगा, मतलब दोनों अपना काम करना शुरू करेंगे। सो ये रहा एंटीबॉडी और ये एंटीजन रहा जो कि आपके बॉडी में किसी दूसरे तरफ से आया था। तो ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी आपस में फाइट करने लगेंगे। इनके फाइट को हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो इस इंटरैक्शन की वजह से क्या होगा, इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज नंबर वन, कि अगर हमारा एंटीबॉडी स्ट्रांग इनफ है और ये जो एंटीजन आया है वो वीक है, तो हम हेल्दी रहेंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा एंटीबॉडी इसके तुलना में वीक हो जाता है और ये जो एंटीजन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो हमको प्रॉब्लम होने लगेगा। और हमें किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अब हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा। यहाँ पे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा एलिवेशन स्टार्ट होगा। सिम्टम्स की बात अगर हम करते हैं तो किसी में सिम्टोमेटिक हो सकते हैं, कोई नॉन सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, जिसे हम एसिम्टोमेटिक भी कहते हैं। सो फिलहाल उनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे सिचुएशन वर्स होती जाएगी, ये जो इन्फेक्शन है ये इनके लंग्स में एंटर कर दिया जाएगा। लंग्स में एंटर करने की वजह से इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो धीरे धीरे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पोजीशन, यानी कि हेल्दी कंडीशन की तुलना में वीक होता जाएगा। तो इनके कारण से इनके ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन लेवल है वो डाउन होने लगेंगे, साथ साथ इनको कफ बनने लगेगा। इस कफ में या तो म्यूकस आ सकता है या तो म्यूकस नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सो अब इनको कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनकी हेल्थ के स्टेटस के अकॉर्डिंगली, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि इनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, लाइक इनको अगर डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है, इनका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ा हुआ है, या यूजुअली इनका जो ब्लड शुगर है वो हाई रहता है, तो इनकी बॉडी में ये जो ब्लड है, इस ब्लड में शुगर का लेवल, शुगर जिसको हम लोग शॉर्ट में SUG लिख रहा हूँ मैं, इसका लेवल बढ़ा हुआ है। तो इनकी बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो इसी कारण से कुछ हद तक वीक भी होगी। प्लस शुगर के होने कारण से इनकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि इनके सेल के डैमेज होने के बाद हील करने की प्रॉपर्टी होती है, वो भी कम होती है। ये भी आपके इस रिकवरी में बाधा डाल रहा है। तो ये हमको अपने ही कंडीशंस में खराब करने में मजबूर कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं कोमॉर्बिड कंडीशंस। लेकिन अब इससे बचने का क्या तरीका है, इससे बचने का सिंपल सा तरीका यह है कि अगर आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। तो हम सबसे पहले इसको मास्क कर सकते हैं। अगर ये व्यक्ति मास्क लगा लेता तो शायद उनको ये इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि जो एंटीजन आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इससे ये बच सकते थे। अब अगर हम बात करते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या होगा, क्योंकि एकमात्र उपाय अभी बचने का है वो है वैक्सीन, और इस वैक्सीन को आप अलग अलग कंडीशंस में लगा सकते हैं जैसा बताया गया है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली। फिलहाल हमारे पास दो वैक्सीन अवेलेबल हैं, नियर फ्यूचर में और भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। वैक्सीन कोई भी हो, काम करने का तरीका वही होता है। अब यहाँ पे एक फंडा को समझ लीजिए आप। हमारी बॉडी में इस एंटीजन की एंट्री होते ही हमारी बॉडी ने क्या बनाना स्टार्ट किया था, एंटीबॉडी। ऑल्दो हमारी एंटीबॉडी वीक हो गई, इसलिए हमें पता चला हमको प्रॉब्लम हुई। अगर हम ये करें कि हमारी बॉडी में पहले से उसी एंटीजन का स्मॉल अमाउंट वीक कंडीशन में, कमजोर कंडीशन में एंटर कर दें, तो वो क्या होगा, फिर से हम वही चीज रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसी व्यक्ति को देख लेते हैं कि ये एक नॉर्मल व्यक्ति है, अगर ये वैक्सीन लगवा लिए होते तो क्या होता। ये व्यक्ति हैं आप और मैं, हम में से कोई भी हो सकता है। अब इस व्यक्ति को लग गया वैक्सीन, सो ही इज हैविंग वैक्सीनेशन।
ये वैक्सीन इनकी बॉडी के अंदर गया। वैक्सीन है क्या, पहले ये भी जान लीजिए, समझ में आ जाएगा। वैक्सीन उस तरह का एंटीजन है जिसके अगेंस्ट में आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्योंकि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक तरीके के एंटीजन के लिए हमारी बॉडी स्पेसिफिक तरीके का एंटीबॉडी बनाती है। सो स्पेसिफिसिटी इज मस्ट। तो अब भी हमने जो वैक्सीन लगाया है वो किसके रेस्पेक्ट में लगाया था, उसे हमने लगाया था कोविड 19 के वायरस के रेस्पेक्ट में। अब ये जो कोविड 19 का वायरस है वो हमारी बॉडी में आ तो गया, लेकिन ये है बहुत वीक, बहुत कमजोर है, ये इतना कैपेबल इनफ नहीं है कि हमें इससे इन्फेक्टेड कर सके, लेकिन है तो एंटीजन ही ना, ये अभी भी एंटीजन ही कहलाएगा। इसका काम वही होगा कि हमारे बॉडी के एंटीबॉडी को एक्टिवेट करना। सो नाउ हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी है इसको एंटीजन को ट्रीट करने के लिए अपना एक्शन देता है, और इसी कारण से हमको बुखार भी आ सकता है। सो ये जो बुखार आ रहा है वो उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, ये उस वैक्सीन के काम करने के सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये दिखा रहा है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में अपने आप को तैयार कर रही है। सो अब क्या करेंगे, अब हमारी बॉडी चूंकि एंटीबॉडी बना रही है और ये स्ट्रांग है, क्योंकि हमने दिया ही वीक एंटीजन था, सो हमारी बॉडी इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी और हमारा एंटीबॉडी यहां पे काम करने लगेगा। इससे ये फायदा हुआ कि हमारी बॉडी को ये मेमोराइज्ड हो गया कि भाई ये जो आने वाला एंटीजन है इसके अगेंस्ट में मुझे दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये एंटीबॉडी बनाना है, अभी तो आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में अब देखिए ये वैक्सीनेटेड हो गया है इनको, तो हम इसको थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब फ्यूचर में ही इज अ वैक्सीनेटेड, इनको वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। अब फ्यूचर में वापस से किसी व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आते हैं जिनको इन्फेक्टेड है कोविड 19 का, तो इनकी बॉडी से ये जो कोविड 19 का एंटीजन है वो एंटर करेगा वापस से इनकी बॉडी में। एंटीजन की बॉडी एंटर करते ही इनको इनिशियल सिम्टम्स तो दिखेंगे, बुखार वगैरह दिखाई देगा, लेकिन इनकी बॉडी का जो एंटीबॉडी है, लेट मी चेंज द कलर अगेन, इनकी बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो अब एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ दिस एंटीबॉडी हैज ऑलरेडी बीन इनकाउंटर्ड विद एंटीजन, जब हम वैक्सीन लगवाए थे तब ये इनको ऑलरेडी पता चल चुका था कि जब एंटीजन आएगा तो इसके अगेंस्ट में हमको इस तरह की एंटीबॉडी बनाकर काम करनी है। तो ये एंटीबॉडी मल्टीपल कॉपीज में एंटीबॉडी बनाएगी, मतलब ये है कि अब इनका जो काम करने का तरीका है वो फास्ट हो जाएगा, अब इस एंटीजन के अगेंस्ट में ये काम करेंगे और इन एंटीजन को ये एकदम से वीक होने के कारण से बचा लेंगे। तो ये हमारा एंटीजन अब उतना प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा जितना कि पहले, यानी कि बिना वैक्सीन के करते थे। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट आता है, उनका ये भी कहना रहता है कि हमने वैक्सीन लगवा लिया तो हमें क्यों हुआ। देखिए वैक्सीन लगवा लेना इस प्रकार के वैक्सीन के बारे में बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली इन कोविड 19 वैक्सीन लगवा लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में कभी दोबारा कोविड 19 का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में ये वैक्सीन किसी ने भी क्लेम नहीं किया है कि वो 100% इफेक्टिव है। किसी का जो परसेंटेज ऑफ इफेक्टिवनेस है वो वेरिएबल करता है, कोई 80%, कोई 85%, कोई 90%, और एक वैक्सीन के बाद दूसरे वैक्सीन के बीच का जो इंटरवल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियल डोज लेने पे ये वैक्सीन आपके बॉडी में उस एंटीजन के रेस्पेक्ट में एंटीबॉडी तैयार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इट इज़ नॉट श्योर। सो इसलिए एक के बीच में दूसरा जो गैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने बच्चों का भी टीका लगवाया होगा तो उनको टीका एक प्रकार से तीन बार लगते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं बर्थ के समय में तो उनको वैक्सीनेशन लगेगा ही, इसके बाद उनको जो आपका रोटा वायरस का लगता है, पोलियो का लगता है, बाकी चीज़ों को लगती है, इसी के तीन डोज लगते हैं। तो इस बात का रिप्रेजेंटेशन है बूस्टर डोज कि आपकी बॉडी को थोड़ा समय लगेगा कि वो उस वायरस के अगेंस्ट में अपने आप को, दैट मीन्स आपको बचाने की तैयारी कर सके। तो अगर ये वायरस के इनकाउंटर आते भी हैं तो पहले तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पे सीवियर कंडीशन देखने को मिल सकती थी, क्योंकि आपकी बॉडी ने किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं किया। क्योंकि अब आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हाइट डॉट जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये मानकर चलिए कि नाउ यू आर इन अंडर द प्रोटेक्शन कर्व, आप प्रोटेक्शन घेरे में है। सो ये एंटीजन कितना भी इनफ कैपेबल हो आपको परेशान तो करेगा, लेकिन आपकी बॉडी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगी। अब अगर हम कंडीशंस की बात करें तो ये जो आपका लंग्स है इनिशियल लेवल पे जहाँ पे देख रहे हैं, इनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आए थे, अब इसमें
जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत कम होगी, इतनी नहीं होगी कि वो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए आफ्टर द फर्स्ट डोज। लेकिन जैसे ही समय बीतता है और आप इसका सेकेंड रिकमेंडेड डोज लगाते हैं, अगर ये वैक्सीन सेकेंड डोज की बात करता है तो, और कुछ वैक्सीन ऐसे भी आने वाले हैं मार्केट में जिनमें सिंगल डोज में काम करेगा, और कुछ वैक्सीन के ऊपर अभी भी ये काम चल रहा है कि वो ओरल रूट से भी दिए जा सकेंगे। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, उनका जो डोज का ड्यूरेशन है वो अलग अलग हो सकता है, डोज की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल वही होगा। तो जब हम सेकेंड डोज लगाते हैं और सेकेंड डोज के पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक टाइम के बाद से 14 to 28 डेज अप्रोक्सीमेटली, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आप एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद आपकी जो बॉडी है वो एग्जैक्टली सही मैनर में मैच्योर इनफ हो जाती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने के लिए? दिस COVID-19 जो वायरस है इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। अब इसके एंटीबॉडी बढ़ने की वजह से हमारा जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ने लगता है, और आपकी कंडीशन जो सीवियरिटी की ओर बढ़ सकते थे इस वाले केस में इससे आपको बचा करके रखता है। तो इस तरीके से वैक्सीन का जो मेमोराइजेशन है आपकी बॉडी में थोड़ी सी मात्रा में एंटीजन को दे करके उसके अगेंस्ट में तैयारी करवाना, ताकि वाकई जब एंटीजन रियल मात्रा में आ जाए तो उससे आप लड़ने के लिए पहले से तैयार रहें। ये है आपके वैक्सीन के काम करने का तरीका या प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ और वैक्सीन जरूर लगाएं। थैंक यू।